रात के सारे कामों को खत्म करने के बाद हाथों में मेहंदी लगा रही हूँ। सुबह मेरी हड़ताल का तीज व्रत है, रात भर में मेहंदी सूख जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगाई है। हाँ, मेहंदी यदि हाथ में रच जाती है तो डिज़ाइन कैसी भी हो हाथों में खूबसूरत लगती है। अभी सुबह के 4 बजने वाले हैं। सूर्योदय के पहले आप कुछ खा सकती हैं, चाय पानी पी सकती हैं। इतनी सुबह न तो कुछ खाया जा सकता है और ना ही खाने की इच्छा होती है। फिर अकेले करना होता है तो बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं होती है, इसलिए सिर्फ गर्म गर्म पानी और चाय पी लूँगी। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, लगातार बारिश हो रही है। यूँ तो यहाँ हफ्तों से बारिश हो रही है, पर आज के दिन यदि लगातार बारिश होती रहती है तो मौसम बिल्कुल ठंडा होता है, तो ज़्यादा प्यास भी नहीं लगती है। जब मैं सुबह उठी थी 4 बजे, तब से बारिश स्टार्ट थी, अभी भी ये लगातार हो रही है और लगता है आज रात भर होती रहेगी। अच्छा है, इससे व्रत करने वाले को गर्मी भी कम लगती है और प्यास भी कम लगती है। छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं, लगातार बारिश हो रही है और आज का ये व्रत एकदम बिल्कुल त्यौहार वाला माहौल हो रखा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि साल भर से औरतें इस व्रत के लिए इंतज़ार करती हैं। सुबह आज दूसरे एक्टिविटीज़ को नहीं करूंगी, बच्चों के लिए सबसे पहले ब्रेकफास्ट और लंच तैयार करके रख दूंगी, क्योंकि पूजा संध्या के समय है, तब तक मुझे प्यास ना लगे। आलू सोयाबीन बरी की सब्जी बना रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे कुछ और काम भी करने हैं, बाद में कभी आप लोगों को इन सब्जी की रेसिपी शेयर करूँगी। अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं, बहुत लेट नहीं हुआ है। जैसे मैं आप लोगों को दिखाई, मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी बिल्कुल नहीं है, इसलिए बच्चों के लिए खाना बना के तैयार करके रख दूँगी ताकि मुझे दोबारा किचन में ना आना पड़े। और बच्चे बड़े हो गए, अब जो थोड़ी बहुत कुछ चीज़ छूट जाती है बच्चे वो खुद कर लेते हैं। आज रोटियां भी बना के रख दूंगी, गर्मा गर्म रोटी बना के बच्चे को नहीं दूंगी। बच्चों ने तो सब काम करने के लिए मना करके रखा हुआ रहता है, फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ बना के रख दो तो उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता। हाँ, बाकी जो काम छूटेगा वो तो वो खुद कर ही लेंगे। शाम को साड़ी के मैचिंग के साथ मुझे जो भी पहनना है सबको मैंने एक जगह इकट्ठा करके रख लिया है। शाम हो चुकी है इसलिए अपने सिंगार की तैयारी में लग चुकी हूँ। थोड़ा बहुत मेकअप करूँगी और कुछ ज्वेलरी को चेंज करूँगी। सबसे पहले अपने इयररिंग को चेंज कर लेती हूँ क्योंकि इसे पहनना मेरे लिए थोड़ा टफ होता है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। बिल्कुल साड़ी के मैचिंग के पास काफ़ी सारी चूड़ियाँ थी, उन सभी को मैं पहन ली। थोड़ा बहुत जितना मुझे मेकअप आता है वो मैं कर रही हूँ। फेस पे कुछ भी लगाने के पहले एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ। किसी भी कंपनी की सीसी क्रीम आपकी फाउंडेशन और प्राइमर दोनों का काम कर देगा। मुझे तो बहुत पसंद है, 2 क्रीम का काम इकट्ठे ही अकेले कर देता है। पूरे फेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आई मेकअप, जिसमें मेरी बेटी ने मुझे बहुत ही हेल्प किया। और अंत में काजल लगा ली। अलग अलग हेयर स्टाइल बनवा के मैं अपनी बेटी से देख रही हूँ कौन सा हेयर स्टाइल मुझ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैचिंग ज्वेलरी को पहन ली। पूजा का टाइम भी हो गया है और मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। पूजा के वक्त बच्चे फ्री थे इसलिए कथा सुनाने की जिम्मेदारी मेरे बेटे ने ले ली थी। मैं पूरी तरह से तैयारी करके कथा सुनने के लिए बैठ गई। बहुत ही अच्छा शिव पार्वती की कथा है कि पार्वती जी ने कितनी तपस्या के बाद शिव जी को पाया और क्यों इस व्रत का नाम हड़ताल का तीज पड़ा, ये सभी बातें इस कथा में बताई गई हैं। कथा समाप्त के बाद आरती कर पूजा खत्म हुई। लाल कपड़े पे रखे हुए थाली को बांध के रात भर वहीं छोड़ देते हैं और सुबह उसे खोल कर व्रत तोड़ते हैं। आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।